पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज हम सभी दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर अनेक चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहले भी अनेकों अवसर पर हमें दीनदयाल से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का, विचार रखने का और अपने वरिष्ठ जनों से विचार सुनने का अवसर मिलता रहा है। पीएम ने कहा कि आप सब ने दीनदयाल को पढ़ा भी है और उन्हीं के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है, इसलिए आप सब उनके विचारों से और उनके समर्पण से भलीभांति परिचित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में चीन और लद्दाख में भारत के गतिरोध को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर सदन को जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की तैयारी पुख्ता है और लद्दाख में भारत को चीन पर बढ़त मिली हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने इस बातचीत में कुछ भी नहीं खोया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवान सामरिक महत्व वाले दुर्गम इलाकों में बहादुरी से डटे हुए हैं। चीन के जवाब में भारत ने भी काउंटर डिप्लॉयमेंट किया है। भारत की सेनाओं ने इन परिस्थितियों का डटकर सामना किया है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दोनों देशों की सेनाएं पेंगोंग लेक के किनारों से हट रही हैं। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया गया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। उन्होंने कहा कि अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा। कूच बिहार में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मैं वादा कर रहा हूं कि चुनाव समाप्त होने तक ममता दीदी भी जय श्री राम बोलेंगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में ऐसी सरकार बना दीजिए जो मोदी जी के साथ चलकर बंगाल के विकास का काम करे। एक इंजन मोदी सरकार का और दूसरा इंजन बंगाल की बीजेपी की सरकार का रहेगा तो मिलकर राज्य को बहुत आगे ले जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। सरकार द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गुरुवार को हवाई यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को राज्यपाल जब उत्तराखंड जाने के लिए मुंबई हवाई अड्डे पहुंचे तो पायलट ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया और राज्यपाल को विमान से उतार दिया गया। घटना पर महाराष्ट्र के राज्यपाल कार्यालय ने बयान जारी करते हुए कहा, यात्रा की तैयारी के लिए राज्यपाल सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार को 2 फरवरी 2021 को पत्र लिखा था, जिसमें राज्यपाल द्वारा सरकारी विमान के उपयोग की अनुमति मांगी गई। इसके बावजूद उन्हें सरकारी विमान से जाने की अनुमति नहीं मिली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौनी अमावस्या के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंची, जहां उन्होंने मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में स्नान किया। स्नान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने नाव की भी सवारी की और उन्होंने केवट के साथ नाव चलाकर संगम किनारे का लुत्फ उठाया। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रियंका गांधी ने आनंद भवन पहुंचकर अपने परदादा और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अस्थिल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इसके बाद वो अनाथ बच्चों से मिली और काफी देर तक उनसे बातचीत की। भारत सरकार और ट्विटर के बीच की तकरार अब बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन खालिस्तान समर्थकों से जुड़े कुछ अकाउंट्स बैन करने को ट्विटर को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें से ट्विटर ने कुछ पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भारत सरकार ने बैठक में एक बार फिर ट्विटर पर सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने साफ किया कि ट्विटर को जिन 257 संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है उन पर एक्शन लेना ही होगा। इस दौरान सरकार की ओर से ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और अमेरिका में हुई हिंसा का हवाला दिया। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से ट्विटर को दंगा एक्ट की जानकारी दी गई और उसके हिसाब से एक्शन लेने को कहा गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अपने बयान की वजह से विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रदर्शनकारियों को कुत्ता कह डाला। दरअसल सीएम राव नलगोंडा जिले के नागार्जुन सागर इलाके में एक सरकारी योजना की आधारशिला रखने पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहुंचे केसीआर के सामने महिलाओं समेत कुछ लोगों का एक समूह आ गया और प्रदर्शन करने लगा। इसके बाद सीएम ने कहा, अब जब आपने मेमो दे दिया है तो यहां से वापस चले जाएं। उन्होंने कहा, कोई भी आपकी बेवकूफी भरे कामों से परेशान नहीं होगा, आपको बेवजह पीटा जाएगा। हमने आपके जैसे कई लोग अम्मा देखे हैं। सीएम ने कहा, आपके जैसे कई कुत्ते हैं, यहां से चले जाइए। केसीआर के इस बयान के बाद से ही राज्य में उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी मुश्किलों में घिरती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सपना चौधरी और उनके परिवार के कई और लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सपना पर लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगा है।
दरअसल कुछ शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा ने डांसर सपना चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ताओं ने सपना चौधरी पर एग्रीमेंट बीच में खत्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि डांस प्रोग्राम करने के लिए सपना ने लाखों रुपए लिए, लेकिन उन्होंने आयोजन में शिरकत नहीं की। कुल मिलाकर उन्होंने 6 करोड़ रुपए के करीब राशि ली है, लेकिन डांस प्रोग्राम नहीं किया। VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 अपनी इस साल की विजेता मिल गई है। तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने इस खिताब को अपने नाम किया है, तो वहीं यूपी की मान्या सिंह फर्स्ट रनर अप और मनिका शिवकांड दूसरी रनर अप रही। बता दें कि फर्स्ट रनर अप रही मान्या सिंह के पिता रिक्शा चालक हैं। ऐसे में मान्या को सब कुछ हाथ में नहीं मिला, उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इंस्टाग्राम पर अपने परिवार की तस्वीरों को शेयर करते हुए मान्या ने लिखा, मैंने भोजन और नींद के बिना कई रातें बिताई हैं। मैं कई दोपहर मीलों पैदल चली, मेरा खून पसीना और आंसू मेरी आत्मा के लिए खाना बने और मैंने सपने देखने की हिम्मत जुटाई। रिक्शा चालक की बेटी होने के नाते मुझे कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मुझे अपनी किशोरावस्था में काम करना शुरू करना था। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों मिली हार के बाद भारतीय टीम सीरीज में वापसी को लेकर खासा दबाव में है। दूसरे टेस्ट मैच में जीत के साथ वापसी की तैयारी कर रही टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अंगूठे की चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। जडेजा को ये चोट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के दौरान लगी थी और चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी वो टीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जडेजा सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए फिट हो जाएंगे, लेकिन उनकी चोट अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, जिसके चलते वो सीरीज से बाहर हो गए हैं।